पुढील 15 दिवस भारतीय आकाशामध्ये निओ व्हॉइस नावाचा एक दुर्मिळ धूमकेतू भारतातून दिसेल। हा धूमकेतू गेल्या 4500 वर्षांमध्ये प्रथमच सूर्याजवळ आला आहे, पुन्हा तो 6800 वर्षांनी परत येईल। धूमकेतू निओ व्हॉइस किंवा C2020F3 हा 15 जुलैपासून भारतातील लोकांना वायव्य दिशेला सूर्यास्तानंतर उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे। तो 23 जुलैला पृथ्वीजवळ असेल, त्यामुळे पुढील आठवड्यामध्ये तो पुन्हा चांगला स्पष्ट दिसेल, परंतु सध्या डोळ्याने तो एखाद्या ताऱ्याप्रमाणे दिसतोय, परंतु लहान दुर्बीण द्विनेत्रीने सुंदर शेपटी पाहायला मिळते। अशी माहिती खगोल अभ्यासक आणि स्कायवॉच ग्रुपचे अध्यक्ष प्राध्यापक सुरेश चोपणे यांनी दिली आहे। न्यू वाईज नाम का एक धूमकेतू अभी हमारे भारतीय जो खगोल प्रेमी हैं उन्हें दिख रहा है। यह धूमकेतु उत्तर पश्चिम आकाश में जहाँ सप्तर्षि तालामंडल है उसी के पास लेफ्ट साइड और थोड़ा नीचे ये सूर्यास्त के बाद हर रोज दिख रहा है। या 20 या 30 मिनट तक यह धूमकेतु दिखने वाला है अभी कुछ दिन, और उसके बाद ये एक घंटा फिर दिखने वाला है। पिछले 15 तारीख से ये धूमकेतु हमें दिख रहा है और ये 30 तारीख तक बहुत अच्छी तरह से दिखने वाला है। 23 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नज़दीक ये धूमकेतु आने वाला है, तब जाकर ये हमें खुली आँखों से अच्छी तरह से दिख सकता है। आज भी खुली आँखों से ये दिखता है, मगर दूरबीन और अगर हमारे पास बायनोक्युलर है तो हम इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। सन 2020 मध्ये स्वान आणि ॲटलास नंतरचा हा तिसरा धूमकेतू आहे, परंतु उघड्या डोळ्याने दिसणारा पहिलाच धूमकेतू आहे। या धूमकेतूचा शोध यावर्षी 27 मार्च 2020 मध्ये निओ व्हॉइस मोहिमे अंतर्गत अंतराळ दुर्बिणीद्वारे लागला होता। या धूमकेतूचे अधिकृत नाव C2020F3 आणि टोपण नाव निओ व्हॉइस असे ठेवण्यात आले आहे। हा धूमकेतू आता उघड्या डोळ्याने दिसण्या इतका तेजस्वी आहे आणि 23 जुलैला पृथ्वीजवळ येणार असल्याने अधिक स्पष्टही दिसेल। निओ व्हॉइस पाहणे ही एक आयोजन संधी आहे, कारण धूमकेतू पुन्हा 6800 वर्ष पृथ्वीच्या जवळ येणार नाही, तर तो 10 अब्ज किलोमीटर दूर जाईल। या धूमकेतू का जो शोध है वो 27 मार्च 2020 को नासा के न्यू व्हॉइस नाम की एक संस्था ने टेलीस्कोप ने लगाया था, जिसे शास्त्रीय भाषा में C2020F3 नाम से जाना जाता है। यह धूमकेतु की विशेषता यह है कि यह धूमकेतु 4500 साल के बाद हमारे पास आया है और यह फिर 6800 साल के बाद आने वाला है, यानी कि कुछ पीढ़ियाँ भी इसे नहीं देख सकते, बल्कि हजारों पीढ़ियाँ भी इसके बाद यह धूमकेतु को हम नहीं देख सकते। तो खगोल प्रेमी को हमारी रिक्वेस्ट और हमारा आह्वान है कि घरों के छत पर जहाँ लाइट नहीं है वहाँ जाए और सूरज ढलने के बाद इसे देखने का प्रयास करें। अगर आपके पास बायनोक्युलर है, छोटा भी बायनोक्युलर है, छोटा टेलीस्कोप भी है, तो हम आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऐसा आह्वान स्कायवॉच ग्रुप की तरफ से मैं करता हूँ। पुढील 15 दिवस हा निओ व्हॉइस धूमकेतू उत्तर गोलार्धाच्या उत्तर पश्चिम आकाशामध्ये सप्तर्षी जवळ सूर्यास्तानंतर लागलेला दिसेल, परंतु तो सूर्याच्या जवळ असल्याने केवळ 20 मिनिटेच पाहण्याची संधी राहील। सध्या तो सप्तर्षीच्या खाली दिसत असून 23 जुलैच्या नंतर हा धूमकेतू सप्तर्षी जवळ डाव्या बाजूला दिसेल आणि 1 तासासाठी तो दृश्यमान असेल। ऑगस्ट नंतर तो खूपच वेगवान होईल। अमेरिकेतून आणि अन्य देशातून धूमकेतूचे खूप सुंदर फोटो घेतले गेले आहेत। काल जळगाव मधील खगोल मंडळाला चांगला फोटो मिळाला आहे। मार्चमध्ये सापडल्यापासून निओ व्हॉइस याला पार्कर सोलर प्रोब, नासाचे सौर आणि स्थळीय वेधशाळा ईसा, नासा सौर आणि हेलिओसेरेफिक वेधशाळेने तसेच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील अंतराळवीर यांच्यासह अनेक नासा अंतराळ याद्वारे शोधले गेले। पावसाळा असल्याने समस्या असली तरी जेव्हा आकाश ढगाळ नसेल तेव्हा सर्व खगोलप्रेमींनी या सुंदर धूमकेतूचे निरीक्षण करावे असे आवाहन स्काय वॉच ग्रुप तर्फे करण्यात आले। न्यूज 15 मराठीसाठी धनंजय साखरकर, चंद्रपूर। मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव एकम विश्व शांति उत्सव। विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे। शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894।